के पॉपुलर कॉमेडी एक्टर। राजपाल यादव ने कई बेहतरीन फिल्में की। अपने टैलेंट के दम पर एक्टर ने इंडस्ट्री में खास जगह बना ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल यादव के पास इस समय 50 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। एक्टर और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक किसी पहचान के मोहताज नहीं, वो अपनी कॉमेडी के अंदाज से किसी को भी हंसा सकते हैं। DNA की रिपोर्ट के मुताबिक कृष्णा के पास 30 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। वहीं कपिल शर्मा कॉमेडी शो के अलग अलग सीजन में सबको काफी एंटरटेन करते आए हैं। और अगर उनकी बात करें, हालांकि एक रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास करीब 21 करोड़ की संपत्ति है। वहीं एक्टर अली असगर सालों से फिल्म, टीवी सीरियल, कॉमेडी शोज में अपने काम से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। अली असगर ने इसी काम से खूब पैसा कमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली असगर के पास इस समय 35 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। कॉमेडी एक्टर के तौर पर करियर बनाने के मामले में महिलाओं का औसत काफी कम माना गया है, लेकिन भारती सिंह ने ये कर दिखाया। भारती अपने शानदार जॉक से किसी न किसी को हंसाती रहती है। इसी को करते करते भारती सिंह ने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। DNA के मुताबिक भारती सिंह के पास 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह रामानंद साउथ सिनेमा में काफी एक्टिव है, लेकिन उन्हें हर कोई पसंद भी करता है। हालांकि उनकी कॉमेडी बेमिसाल है और इसी से उन्होंने अरबों की संपत्ति बनाई है। पंजाब से कुछ करने का जुनून लेकर मुंबई आए कपिल शर्मा ने अपने टैलेंट से अरबों की संपत्ति बना ली। DNA के मुताबिक कपिल शर्मा के पास 280 करोड़ की संपत्ति है। 80 के दशक में बॉलीवुड में एक शख्स आए जिन्होंने हर किसी को गुदगुदाया, कॉमेडियन जॉकी लिवर। हालांकि 250 से ज्यादा फिल्में ये कर चुके हैं और अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो वो 277 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि आप किससे ज्यादा एंटरटेन होते हैं, कौन सा एंटरटेनर आपको ज्यादा पसंद है, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और ऐसे ही लेटेस्ट और वायरल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।